हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी चैनल ज्योति मेकिंग में। मैं ज्योति आप सबका स्वागत। तो आज मैं आप सबको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेके आई आप हूं। किसी भी हूँ स्वेटर या ब्लाउज में कहीं भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं कितना सुंदर और कितना खूबसूरत सा ये डिजाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप किसी भी स्वेटर पर, बच्चे के स्वेटर पर हो या लेडीज स्वेटर हो या कोई भी स्वेटर पर ये अप्लाई कर सकते हैं। आप भी एक बार बनाइए और ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ ये डिजाइन बनाना। ये देखिए दोस्तों, ये मैं कुछ फंदे यहाँ डाल के एक डिजाइनिंग में यहाँ बना ली हूँ। अब मैं दूसरा डिजाइन आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। शुरू में क्या करना है, एक फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और तीन फंदे सीधे बना लेना है। एक, दो और ये तीन। अब क्या करना है, अब ये पत्ती पहले बनाना है। तो इसमें यहाँ हरा कलर का धागा जोड़ना है। ये यहाँ मैं हरा कलर का धागा लाती हूँ। एक, अब ये जो है इसको फंदा यहाँ नहीं निकालना है और ये जो धागा है इसको आगे कर लेना है। ये में डाल के एक फंदे से ये हरे कलर का तीन फंदा बना लेना है। फिर यहाँ तीन फंदा जो है ये पीले कलर से बना लेना है। एक, दो और ये तीन। फिर यहाँ हरे कलर का धागा लाना है। ये जो धागा है इसको इस तरह से ऐसे करके दबा देना है और यहाँ एक फंदे से तीन फंदे निकाल लेना। ये मैं एक फंदे यहाँ निकाल ली हूँ। फिर धागा आगे करना है और फिर इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं एक फंदे से यहाँ तीन फंदे निकाल ली हूँ। फिर इस धागा को इस तरह से ऐसे, ये जो हरे कलर का धागा है इसको इस तरह से ऐसे दबाना है और ये पीले कलर का धागा पकड़ लेना है और इससे तीन फंदे सीधे बनाना है। एक, दो और ये तीन। फिर यहाँ क्या करना है, ये हरे कलर के धागे से एक फंदे से तीन फंदा बना लेना है। एक, फिर धागा आग और ये तीन। फिर इसको इस तरह से दबा देना है और ये पीले कलर के धागे से तीन फंदा बना लेना है। एक, दो और ये तीन। फिर यहाँ इसको दबाना है और ये हरे कलर के धागे से तीन फंदा बना लेना है। एक फंदे से ये मैं यहाँ तीन फंदे बना ली हूँ। फिर इसको इस तरह से दबाना है और ये तीन फंदा सीधा बना लेना है। ये तीन फंदे मैं सीधे बना ली हूँ। अब मैं एक फंदे से यहाँ तीन फंदे निकालती हूँ। फिर मैं इसे तीन फंदे को सीधे बना के कंप्लीट कर। ये देखिए दोस्तों, ये मैं उल्टी साइड से आ चुकी हूँ। उल्टी साइड से क्या करना है, तीन फंदे को ऐसे ही उल्टा बना लेना है। तीन फंदे उल्टे बना ली हूँ। अब क्या करना है, ये धागा को, पीले वाले धागा को इस तरह से ऐसे करके दबा देना है और ये हरे वाला धागा इस तरह से पकड़ लेना है। एक फंदा ऐसे ही निकाल लेना है और एक फंदे को उल्टा बना देना है। फिर इस फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है। फिर धागा को इस तरह से दबा देना है और ये धागा पकड़ लेना है और तीन फंदे को उल्टा बना लेना है। फिर क्या करना है, ये धागा को इस तरह से दबा देना है, नहीं तो क्या होगा, यहाँ बीच में हॉल रह जाएगा। इसलिए इसको इस तरह से यहाँ दबा दीजिए और फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और सेकेंड फंदे को उल्टा बना लेना है और थर्ड फंदे को ऐसे ही निकाल लेना। फिर यहाँ इस तरह से ऐसे दबाना है और फिर ये तीन फंदे उल्टे बना लेने हैं। बस इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं उल्टी साइड यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं सीधी साइड से आ चुकी हूँ। सीधी साइड से क्या करना है, फर्स्ट फंदे को यहाँ मैं निकाल ली हूँ और यहाँ मैं दो फंदे सीधे बना लेती हूँ। अब क्या करना है,
ये जो एक हरे वाला धागा है और ये एक धागा है, ये दोनों को मिला के एक कर देना है। यहाँ मैं एक कर दी हूँ, यहाँ मैं इस तरह से ऐसे दबा दी हूँ और ये हरे कलर का धागा यहाँ पकड़ ली हूँ और एक फंदे को मैं यहाँ सीधा बना दी हूँ। फिर धागा को इस तरह से ऐसे दबाना है और फिर ये धागा पकड़ लेना है और फिर आगे से होते हुए यहाँ मैं दो को एक कर देती हूँ। ये हो चुका है। अब क्या करना है, एक फंदे सीधे बना लेने हैं, फिर यहाँ दो फंदे को एक कर देना है इस तरह से। यहाँ मैं एक कर दी हूँ, फिर ये मैं हरे कलर के धागे से एक फंदे को सीधा बना देती हूँ। फिर धागा को इस तरह से ऐसे दबाना है और ये हरे पीले कलर का धागा पकड़ के और दो को एक कर देना है, फिर एक फंदा सीधा बनाना। बस इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं सीधी साइड यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं उल्टी साइड से आ चुकी हूँ। उल्टी साइड से क्या करना है, जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। अब ये जो पीला है उसे मैं पीले कलर से कंप्लीट कर लेती हूँ और ये हरा है इसे मैं यहाँ इस तरह से ऐसे दबा के हरे कलर से कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इस तरह से इसको दबाना है और फिर ये पीले कलर से बुनना है। जो जिस कलर का है मैं उसी कलर से बना के उल्टी साइड से उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना ये है। ये देखिए देखिए दोस्तों, दोस्तों, ये ये मैं मैं उल्टी उल्टी सिलाई सिलाई यहाँ यहाँ कंप्लीट कंप्लीट कर कर चुकी चुकी हूँ। हूँ। ये ये किस किस तरह तरह से से बन बन चुका चुका है। है। अब अब मैं मैं सीधी सीधी बनाती बनाती हूँ। हूँ। सीधे सीधे में में क्या क्या करना करना है, है, इस इस बार बार ये ये पीले पीले कलर कलर के के फंदे फंदे को को नहीं नहीं बनाना बनाना है, है, ये ये सारे सारे फंदे फंदे ऐसे ऐसे ही ही निकाल निकाल लेना लेना है। है। अब अब ये ये जो जो एक एक हरा हरा कलर कलर का का धागा धागा मैंने मैंने यहाँ यहाँ लगाई लगाई थी, थी, यहाँ यहाँ अब अब क्या क्या करना करना है, है, फूल फूल बनेगा। बनेगा। ये ये जो जो यहाँ यहाँ फूल फूल बना बना है है ये ये फूल फूल बनेगा। बनेगा। यहाँ यहाँ मैं मैं लाल लाल कलर कलर के के धागा धागा से से यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके करके सीधा सीधा मैं मैं बना बना ली ली हूँ। हूँ। फिर फिर धागा धागा को को आगे आगे करना करना है है और और एक एक फंदे फंदे से से यहाँ यहाँ तीन तीन फंदा फंदा बना बना लेना लेना है। है। ये ये देख देख सकते सकते हैं हैं दोस्तों, दोस्तों, ये ये मैं मैं यहाँ यहाँ तीन तीन फंदे फंदे बना बना ली ली हूँ हूँ और और इस इस तरह तरह से से धागा धागा को को यहाँ यहाँ घींच घींच दे, दे, यहाँ यहाँ घींच घींच देना देना है है और और फिर फिर ये ये तीन तीन फंदे फंदे को को निकाल निकाल लेना लेना है। है। एक एक दो दो और और ये ये तीन, तीन, और और ये ये इस इस हरे हरे कलर कलर के के फंदे फंदे में में भी भी तीन तीन फंदे फंदे निकाल निकाल लेना लेना है। है। एक, एक, दो दो और और ये ये तीन। तीन। फिर फिर इस इस तीन तीन फंदे फंदे को को मैं मैं ऐसे ऐसे ही ही निकाल निकाल लेती लेती हूँ। हूँ। फिर फिर इसमें इसमें भी भी मैं मैं यहाँ यहाँ तीन तीन फंदे फंदे बना बना लेती लेती हूँ। हूँ। एक एक और और दो दो और और ये ये तीन। तीन। फिर फिर ये ये मैं मैं तीन तीन फंदे फंदे ऐसे ऐसे ही ही निकाल निकाल लेती लेती हूँ हूँ। और और एक एक फंदे फंदे से से मैं मैं फिर फिर यहाँ यहाँ तीन तीन फंदे फंदे बना बना लेती लेती हूँ। हूँ। ये ये मैं मैं यहाँ यहाँ तीन तीन फंदे फंदे बना बना ली ली हूँ। हूँ। फिर फिर मैं मैं तीन तीन फंदे फंदे ऐसे ऐसे ही ही निकाल निकाल लेती लेती हूँ। हूँ। फिर फिर ये ये हरे हरे कलर कलर के के फंदे फंदे में में तीन तीन फंदे फंदे बना बना लेना लेना है। है। एक, एक, अब अब क्या क्या करना करना है, है, ये ये तीन तीन फंदे फंदे नहीं नहीं निकालना। निकालना। अब अब यहीं यहीं से से इसको इसको यहाँ यहाँ से से मैं मैं इसे इसे उल्टा उल्टा कर कर दी दी हूँ। हूँ। अब अब क्या क्या करना करना है, है, ये ये धागा धागा को को इस इस तरफ तरफ कर कर लेना लेना है है और और ये ये तीन तीन फंदे फंदे को को ऐसे ऐसे करके करके सिलाई सिलाई डालना डालना है है तीनों तीनों फंदे फंदे में में एक एक ही ही बार, बार, और और तीन तीन फंदे फंदे को को एक एक कर कर लेना लेना है। है। ये ये मैं मैं यहाँ यहाँ तीन तीन फंदे फंदे को को एक एक कर कर दी दी हूँ। हूँ। फिर फिर धागा धागा आगे आगे कर कर लेती लेती हूँ। हूँ। तीन तीन फंदे फंदे ऐसे ऐसे ही ही निकाल निकाल लेना लेना है। है। फिर फिर धागा धागा को को पीछे पीछे करना करना है है और और ये ये तीनों तीनों फंदे फंदे को को एक एक बना बना देना देना है। है। ये ये तीनों तीनों फंदे फंदे को को मैं मैं यहाँ यहाँ एक एक बना बना दी दी हूँ। हूँ। फिर फिर धागा धागा आगे, आगे, फिर फिर तीन तीन फंदे फंदे ऐसे ऐसे ही ही निकाल निकाल लेती लेती हूँ। हूँ। बस बस इसी इसी तरह तरह मैं मैं पूरी पूरी सिलाई सिलाई कंप्लीट कंप्लीट कर कर लेती लेती हूँ। हूँ। तो तो चलिए चलिए दोस्तों, दोस्तों, मैं मैं ये ये पूरी पूरी सिलाई सिलाई आपको आपको कंप्लीट कंप्लीट करके करके फिर फिर मैं मैं आगे आगे आपको आपको दिखाती दिखाती हूँ। हूँ। ये ये देखिए देखिए दोस्तों, दोस्तों, ये ये मैं मैं पूरी पूरी सिलाई सिलाई यहाँ यहाँ कंप्लीट कंप्लीट कर कर ली ली हूँ। हूँ। अब अब क्या क्या करना करना है, है, ये ये पीले पीले कलर कलर के के धागे धागे से से पूरे पूरे फंदे फंदे को को इस इस तरह तरह से से सीधा सीधा बना बना के के कंप्लीट कंप्लीट कर कर लेना लेना है। है। तो तो चलिए चलिए दोस्तों, दोस्तों, मैं मैं इसे इसे पूरे पूरे सीधे सीधे बना बना के के कंप्लीट कंप्लीट कर कर लेती लेती हूँ। हूँ। फिर फिर मैं मैं आगे आगे आपको आपको दिखाती दिखाती हूँ। हूँ। ये ये लाल लाल कलर कलर का का जो जो धागा धागा है है इसे इसे भी भी
सीधा ही बना लेना है। मैं ये सारे फंदे को इस तरह से सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं सीधी साइड से यहाँ पूरी सिलाई सीधे बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं उल्टी साइड से पूरे फंदे को मैं उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बता। देखिए दोस्तों, ये मैं उल्टी साइड से इसे उल्टा बना के यहाँ मैं कंप्लीट कर ली हूँ। ये कितना सुंदर से ये फूल बन के तैयार हो चुका है। आप जितना दूरी पर डालना चाहते हैं उतना दूरी, आप चार सिलाई पर डालना चाहते हैं तो चार सिलाई उल्टा सीधा बना लीजिए, नहीं तो आप छः सिलाई, आप अपने हिसाब से छः सिलाई या आठ सिलाई अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं चार सिलाई पर ये फिर फूल बनाई हूँ। यहाँ बीच में मैं गैपिंग चार सिलाई का दी हूँ। आप भी जितना दूरी पर रखना चाहते हैं उतना दूरी पर ये फूल बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना सुंदर और कितना खूबसूरत ये फूल लग रहा है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपको ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।